कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा मीडिया के मित्रों, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतरिम बजट 2024-2025 के लिए आयोजित इस मीडिया इंटरेक्शन में आप सबका बहुत स्वागत। आप सबको मालूम है कि ये इंटरिम बजट है, तो इसमें कोई बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हो सकता, और भारत सरकार की जो नीति रही है उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी इंटरिम बजट को आगे बढ़ाया है। एक कविता मुझे ध्यान में आ रही है, मैं बात वहीं से शुरू करता हूँ। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, मृदु सपनों का ह्रास ना आए, दुख की कोई सांस ना आए, इस नश्वर जीवन में सुख का अविनश्वर सागर लहरा दो। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, टूटा दुख का पर्वत जिन पर, अस्त हो गया सुख का दिन कर, उनके घावों को सहला कर, सांपों को वरदान बना दो। अपने पर अभिमान हमें है, अपनेपन का ज्ञान हमें है, बजा जागरण की फेरी तुम, सुप्त आत्मसम्मान जगा दो। कभी तुम ऐसा गान सुना दो, कभी तुम ऐसा गान सुना दो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24-25 का अंतरिम बजट जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का ये पांचवां बजट है। एक बात मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष के भीतर नागरिकों के हित, समाज के संपूर्ण कल्याण, रोजगार के ऐतिहासिक आंकड़े, औद्योगिकरण की नई ऊर्जा और सामाजिक सरोकारों की पूर्णता ने जम्मू कश्मीर के आत्मसम्मान को जगाने का काम किया है। युवाओं के लिए बेहतर भविष्य की नींव तैयार करने में, किसानों का जीवन बेहतर बनाने में, और आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग हाशिए पर थे उनके जीवन में बड़ा बदलाव करने में, महिलाओं को शक्तिशाली बनाने में तथा वैभवशाली जम्मू कश्मीर बनाने में काफ़ी हद तक सफलता हमें मिली। दशकों से पीड़ित शोषित समाज के घावों को भरकर उनके भौतिक उत्कर्ष को लक्ष्य बनाया गया है, और आज मैं कहना चाहूँगा कि समावेशी, सर्वस्पर्शी, बिना भेदभाव के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी सेक्टर्स में आधारभूत संरचना का विकास करना, अस्थायी इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करना, और जैसा मैंने पहले कहा कि 70% कृषि पर आधारित आबादी की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, टूरिज्म, हस्तशिल्प इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर के। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।